गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ कृतिका फ्रॉम रेडियो चितकारा 107.8 FM। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर पंकज गर्ग और मिस्टर ओजस्वी शर्मा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ पिनाका मीडिया वर्क्स चंडीगढ़। तो आइए सुनते हैं ओजस्वी जी की बात पंकज गर्ग के साथ। सो वेलकम ओजस्वी टू रेडियो चितकारा। जी थैंक यू। और सबसे पहले मैं और हमारे लिसनर्स ये सब जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपने इंजीनियरिंग साइड चूज की थी, एमबीए साइड, और फिर एकदम से फिल्म मेकिंग, मतलब कैसे? मैं कहूँगा शौक था मेरा। ओके। और करते करते समझ में है क्या नहीं करना है। हाँ हाँ। तो करके डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग करके एमबीए करके कि मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, तो वो एक्चुअली स्टोरी टेलिंग में बहुत था। ओके। तो स्टोरी टेलिंग के लिए या आपके पास बचता था थिएटर या बचती थी फिल्म मेकिंग। तो मेरे को लगा कि कुछ कमर्शियल किया जाए, बिकॉज आई हैव टू बी रियलिस्टिक एंड ऑन दैट फ्रंट एज वेल। तो फिर मैंने फिल्म मेकिंग को लिया और पैशनेटली आज भी परस्यू कर रहा हूँ। एक दिन भी नहीं निकलता मेरा कि मैं कहूँ कि मुझे सुबह उठ के लगे कि मैं आज मैं काम पर जा रहा हूँ। That's how mode ये हमने चूज किया मैंने। ओके। कहीं एक कोट मुझे ध्यान में आ रहा है कि सुनो सबकी करो मन की। तो कुछ ऐसा ही था मतलब आपके साथ भी? जब तक थोड़े छोटे थे तब तक तो यही था, बाद में बस फिर करो मन की चलते रहे, सुनो सबकी तो फिर छोड़ दी हमने। okay. क्योंकि सबकी सुनने लग गए तो फिर शायद अपना कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल जी। सबसे यादगार, मतलब अभी तक जो भी आपने प्रोडक्शन की है, सबसे यादगार प्रोडक्शन आपकी कौन सी रही है अभी? बहुत रिसेंटली मैंने अपनी दो फिल्म्स प्रोड्यूस भी की हैं, डायरेक्ट भी की हैं, तो वो मेरे लिए बहुत यादगार साबित होने जाने वाली हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द हार्ड वर्क मेरी टीम ने। फिल्म सिर्फ मेरी सोच से नहीं बनी, मेरे साथ बहुत लोगों की मेहनत थी जिन्होंने मेरी सोच पे भरोसा किया। ये मेरे लिए यादगार बनने जाने वाला है, जो बहुत रीसेंट प्रोजेक्ट है, इसी को काउंट करूंगा अभी। जी होता है अक्सर कि एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, वही सही था। तो कुछ ऐसा भी कभी हुआ है मतलब आपके साथ कि शायद मैंने इस तरफ आकर के या इस लाइन को चूज करके शायद कुछ गलती की, या नहीं बिल्कुल ठीक ही किया? देखिए हर मिनट या हर एक घंटे में थोड़ी दुविधा तो पैदा होती रहती है। हाँ हाँ। लेकिन साथ साथ ये भी दिखता रहता है कि जो आप काम कर रहे हैं, एक वो करना भी चाहते थे और आप उसको अच्छे से कर भी पा रहे हैं, ये ऐसा कभी खुद को महसूस नहीं होता है। हाँ, जो आपको देख रहा है या जो आपको समझ रहा है वो आपको बता देता आके कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। okay. तो वो मोटिवेशन ऐड हो जाती है ड्यूरिंग दी होल प्रोसेस, फिर आप उस काम को और अच्छे से और इम्प्रोवाइज करके आप करते जाते हैं। राइट जी। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुना तो आपने बताया कि उस टाइम पे जब आपने शुरुआत की थी फेसबुक बहुत कम था, मतलब इनिशियल स्टेज पे था, और यूट्यूब भी शुरुआती दौर में था या नहीं था, तो दिक्कत आती थी कि जो आपने काम बनाया उसको कहाँ पे शोकेस करें। Exactly. लेकिन आज का दौर वैसा नहीं है। आज का दौर तो आपका काम साथ की साथ, मतलब इवन लाइव भी फेसबुक पे ऑप्शन आ गया है। जी। आप कुछ भी बना रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ लाइव हो रहा है, सब कुछ सब लोग देख रहे हैं। जी। तो उस सिनेरियो से मतलब आप कितना रिलेट करते हैं आज के इस दौर में? मतलब ऐसा भी हो गया है क्योंकि अब बहुत सारी चीजें अच्छी भी नहीं आ रही है, मतलब खराब चीजें भी अब आ रही है, अगर शोकेस की हमें फैसिलिटी मिल गई है तो उस जी लाइव के बारे में बताऊंगा कि मैंने फेसबुक लाइव के ऊपर भी एक फिल्म बनाई है। अच्छा। हाँ, फिल्म का नाम है JS लाइव, वो मेरे चैनल पे चलती है रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे। ओके। और बहुत लोगों को पसंद आई कि जो हर बात पे लाइव चले जाना वो। हाँ हाँ हाँ। दूसरी चीज़ सर, अच्छे बुरे की जो हम बात करें तो सेम ही दौर में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का एग्जिस्ट करना बहुत नेचुरल है। कि अगर बुरी चीज़ें, देखो बुरी कोई चीज़ सोच के बनती नहीं है, बनाई नहीं जाती, वो बन जाती है, और जिससे बनी होती है वो भी उसके लिए स्टैंड ही करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कुछ बुरा बनता है, वो कंपैरेटिव हो जाता है कि ये चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों चीज़ों का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है सर, तभी सोसाइटी में बैलेंस बना रहता है, तभी अच्छी फिल्मों की लोग कदर कर पाते हैं या अच्छी सोच की। अगर एक दौरान था, एक टाइम पे बायोपिक्स ही बनती रहेंगी, फिर उस दौरान एक कॉमेडी बहुत अच्छी आ जाएगी, एक क्लीन कॉमेडी की बात करेंगे हम, फैमिली एंटरटेनर्स की बात करेंगे। तो सोसाइटी में ये चेंजेस भी आने बहुत ज़रूरी हैं, और जितना ही बैलेंस्ड वर्क हो रहा उतना ही इम्बैलेंस होना भी ज़रूरी है। क्योंकि वो जो काम खराब घोषित कर दिया जाता है या जो बन जाता है वो अच्छे की वैल्यू भी बनाया जाता है। जी। और सोशल मीडिया की जहाँ बात की जाए, मैं ये कहूँगा कि पहले कंटेंट को बनाना
भी डिफ़िकल्ट होता था, आज की डेट में टूल्स और अवेलेबिलिटी हो गई है, नॉलेज लोगों की बढ़ गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ बहुत हो गई है, तो कंटेंट आज भी बन रहा है, पहले भी बनता था, पहले दिखाने का ज़रिया नहीं होता था, आज एक्चुअली बने अच्छा ना बने दिखाया ज़्यादा ज़ोर से जा रहा है। तो हम बहुत सारी फिल्में या कंटेंट ऐसा भी देखते हैं जो कुछ खास पसंद नहीं आता लोगों को, लेकिन प्रमोट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो चीज़ है कि अब पावर जो है वो एक कॉमन मैन के हाथ में आ गया है कि मैं क्या यूट्यूब पर पब्लिश कर दूँ, कि मैं क्या फेसबुक पे पब्लिश कर दूं, किसके बारे में ट्वीट कर दूं। एक आम आदमी आज की डेट में पीएम को भी ट्वीट कर सकता था, लेकिन आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री के पास पहुंचने के लिए भी आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या अप्रोच लगानी पड़ती थी। तो आप बाकी आप बताइए। ओके, अभी कल मैंने जयप्रकाश चौकसे साहब हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनका एक आर्टिकल पढ़ा कि जो पिछली कुछ मूवीज रिलीज हुई, ट्यूबलाइट, जग्गा जासूस और अभी हैरी मेट सेजल और कुछ और फिल्में जो कि फ्लॉप हो गई, सो उसका एक कारण उनका कंटेंट तो था ही, उनका प्रोडक्शन तो था ही, दूसरा कारण ये भी था कि अब लोगों के पास एंटरटेनमेंट के साधन ज़्यादा हो गए हैं, अपने फ़ोन में या उन चीज़ों में वो लोग ज़्यादा इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि सिनेमा में वो कशिश रही नहीं है कि वो अपनी तरफ उनको आकर्षित कर ले। कुछ कहीं ना कहीं वो कंटेंट का भी दोष था और कहीं ना कहीं वो इसका भी था कि आज के सिनेरियो में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, लोगों के हाथों में पहुंच गई है कि लोग उसको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सिनेमा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सच है? मतलब जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन दी वर्ल्ड कंटेंट इज किंग, राइट सर। दूसरी बात, कोई भी कोई फिल्म बनाता ना सर, तो उसकी इंटेंशन हमेशा नोबल होती है, कोई भी कोई फ्लॉप फिल्म बनाता नहीं है, वो ड्यू टू सम एक्स वाई जेड फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, मे बी कॉस्ट, बजट्स, कंट्रोल, सम हाउ समथिंग मे वर्क और मे नॉट वर्क, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी लाइकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो लोगों को पसंद आ रही कि नहीं। दूसरी बात ये, आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है थिएटर में भी अगर हम फिल्म देखने जाएं, कि एक ऑडियंस को अपने फ़ोन से हटा के सिनेमा स्क्रीन पे आकर्षित करके रखना, क्योंकि जहां सीन बोर हुए वो अपना फ़ोन खोलेंगे, अपने व्हाट्सएप पढ़ लेंगे, एक अपना फेसबुक स्क्रॉल कर लेंगे, फिर एक वहाँ गाना चल पड़ा तो वो देख लेंगे। हम लोग आज की डेट में टीवी भी ऐसी देख रहे हैं, एक हाथ में फ़ोन है और उस पर हमारा सोशल मीडिया, सोशल मैसेजिंग चल रही है, मीडिया तो इतना नहीं, मैं कहूँगा एट द सेम टाइम दो वीडियोस नहीं चल रही होती कि मैं यूट्यूब फ़ोन पे भी खोला और टीवी भी चल रहा है या सिनेमा। और दूसरी बात ये कि सर, जो सिनेमा की अगर हम बात करें तो सिनेमा आज भी इंडिया में और वर्ल्ड में अगर देखा जाता है तो वो अपनी एक्सपीरियंस की वजह से है। एक चीज़ हम टर्म कहते हैं सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, वो आपको सिनेमा देता है। सिनेमा आपको वो दे सकता है जो आपको YouTube नहीं दे सकता। अब सर आप बाहुबली देखने गए थिएटर में, वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की वजह से थी, वो आप YouTube पे नहीं देखने गए। सेकंडली सर, जो सिनेमा गोअर है उसको मालूम है कि ये फिल्म मुझे सिनेमा में देखनी है और ये फिल्म मुझे YouTube पे देखनी है। अगर आप सोशल मीडिया की बात की जाए तो 2 घंटे की फिल्म, इतनी अगर सिनेमा ही है जो 2 घंटे का अटेंशन ग्रैब करता है, डिजिटल मीडिया नहीं करता है। डिजिटल में कुछ भी चीज़ चलेगा वायरल करने के लिए, 2 मिनट तक का ड्यूरेशन चलेगा, फिर 10 मिनट तक का वीडियो चलेगा। कोई भी आप देखना यूट्यूब पे, अनलेस वो बहुत लंबा सफ़र ना ट्रैवल कर रहा हो, 2 घंटे की मूवी नहीं कोई देखेगा। बिल्कुल। तो एक लॉन्जिविटी की बात करें और जितना भी चीज़ें हैं, वायरलिटी है, 1 मिलियन है, जिसको कहते हैं माइलस्टोन है, वो आपको सिनेमा ही दे रहा है। वो अभी इन चीज़ों को, अभी डिजिटल मीडिया को उस लेवल पर आने में समय लगेगा, मुझे पता नहीं फ्यूचर कितना है, लेकिन फिल्म मेकिंग की ग्रामर तो सर सेम ही रहने वाली है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाएं। राइट। ओके, जो अपकमिंग फिल्म मेकर हैं, ये जो और हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या टिप या एडवाइस, क्या सजेशंस देना चाहेंगे? आज के फिल्म मेकर्स या जो भी मैं कहूँगा एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली बात तो जब आप घर से निकलें ना, तो मोटी सोल के जूते पहन के निकलें। ओके, ठीक है। जब भी इस जर्नी में चलें तो ये एक पहाड़ चढ़ने की तरह है, जहाँ पे पीठ झुका के चढ़ें। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, ओजस्वी जब भी पहाड़ चढ़ो ना तो पीठ झुका के चढ़ो, गिरने का डर बिल्कुल खट जाता है। तो एंड बी हम्बल एंड जो है ना लर्निंग स्प्री उसको ऑन रखें, क्योंकि आपको मालूम नहीं आपका लक कब हिट करेगा, लेकिन जब हिट करेगा ना, जब अपॉर्चुनिटी आएगी, तब डोंट बी प्रिपेयर टू से आई एम नॉट रेडी। राइट, टेक दी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि You never know, you might shine in the first chance or it might take 10 chances and even you won't shine. So just make the most of what you have today. Keep learning, keep growing and be with the right people. Okay. And you'll make yourself right. worthy enough. Right. So I think आपकी बात से हमारे जो listeners हैं उनको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। Last question. जी।
ओजस्वी को हम कैमरा के सामने कब देखेंगे? हम कैमरा के पीछे तो बहुत देख चुके हैं। मुझे ये बहुत बार लोगों ने पूछा कि तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाते। ऐसा नहीं कि एक्टिंग आती नहीं है, एक्टिंग आती है, इसलिए बहुत लोगों से एक्टिंग करवा लेते हैं और बहुत अच्छे से इमोशन से करवा लेते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने कहा था कि अगर किसी दिन कोई मेरा दोस्त फिल्म बना रहा होगा ना और वो मुझे आके कहेगा कि ओजस्वी मुझे तू इस रोल के लिए चाहिए, उस दिन मैं कर लूंगा, खुद नहीं मैं करने वाला। ओके ओके, वेरी नाइस। तो इसी के साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चितकारा यूनिवर्सिटी में चितकारा इंटरनेशनल मोबाइल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है और उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये फिल्म बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगर वो एक अच्छे एक्टर को लेना चाहते हैं तो ओजस्वी हमारे साथ स्टूडियो में है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओजस्वी से, और कॉन्टैक्ट करने के लिए ओजस्वी खुद बताएंगे। सारे ही तो नहीं ले लेंगे मतलब कितनी फिल्म्स आएंगी ना, तो आपने तो सबको बोल दिया, सबको बोल, लेकिन पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ। अच्छा नहीं, अगर देखिए कहानी में, अगर पहली बात एक्टिंग की बात नहीं है, अगर आपकी कहानी में आपको लगता है कि कोई भी आदमी आप उसके कहानी को या उस किरदार को जस्टिफाई करेगा, तभी उन्हें लेना चाहिए। जस्ट फॉर नेम से एक ना जाए, वन शुड बी एबल टू डू जस्टिस टू इट। अगर कोई कभी मेरे पास आया तो मैं पढ़ के देखूंगा इफ आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू इट, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन से प्रोजेक्ट को फर्क पड़े। अगर उससे प्रोजेक्ट में ऐड होता है या हेल्प होती है तो वो मैं डेफिनेटली जरूर करूंगा। आई एम ओपन टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो जस्वी, हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए थैंक